जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्कशॉप क्या होती है, वर्कशॉप को कब ऑर्गेनाइज कराया जाता है और वर्कशॉप को अगर आप अटेंड करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, आज आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, किसी स्कूल में पढ़ते हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या कोई बिजनेस करते हो, वर्कशॉप का इन सभी जगहों पर अपना ही एक इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वर्कशॉप होती क्या है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्कशॉप बेसिकली एक टेक्निक है जिसके जरिए प्रैक्टिकली कुछ नया सिखाने की कोशिश की जाती है। अब इसको हम फ्रेंड्स यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मान के चलिए आप किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वहां पर आपको कोई एक टॉपिक दिया जाता है। मान के चलिए आपको वहां पर एक टॉपिक है ड्रोन। जी हां दोस्तों, ड्रोन का नाम आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, आपको जानकारी होगी। तो मान के चलिए ये टॉपिक वहां पर आपको पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली ये जो हमारे टॉपिक्स होते हैं इनको थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों थ्योरेटिकली नॉलेज तो आपको क्लासरूम के अंदर मिल जाती है, लेकिन जब आप थ्योरेटिकली ये जान लेते हैं कि ड्रोन क्या होता है, ड्रोन कैसे काम करता है या कैसे फ्लाई करता है, इन सब चीजों के बाद आता है हमारा प्रैक्टिकल करने का नंबर। तो फ्रेंड्स यहां पर जो प्रैक्टिकल होता है वो बेसिकली वर्कशॉप के अंदर आपको कहीं ना कहीं सिखाया जाता है, करवाया जाता है। उस प्रैक्टिकल में आपको एक वर्कशॉप में ले जाया जाता है जो कि एक हॉल होता है, कंप्लीटली एक बड़ा रूम होता है और जहां पर आपको ये चीजें प्रैक्टिकल करवाई जाती हैं कि ड्रोन आखिर होता क्या है, उसको आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके का ये डिवाइस होता है या फिर किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें वहां पर आपको दिखाई जाती हैं। तो कह सकते हैं आपको जो भी चीजें आपको थ्योरेटिकली बुक्स की नॉलेज से पढ़ाई जाती हैं उन सभी को या फिर उनमें से किसी भी चीज को अगर आपको प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है तो आप वहां पर उसको वर्कशॉप की कैटेगरी में ले सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गया कि आखिर ये वर्कशॉप होती क्या है। वर्कशॉप का सिंपल सा मतलब इतना निकाल लीजिए कि एक बार आप थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लें किसी भी टॉपिक पर और उस टॉपिक पर अगर आपको कोई नॉलेज लेनी है प्रैक्टिकली तो वो आप वर्कशॉप के अंदर इजीली ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कि एक वर्कशॉप की टाइम पीरियड क्या होता है, यानी कि वो कितने टाइम तक चल सकता है। तो नॉर्मली दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया है 1 डे का, यानी कि कम से कम एक दिन का आपका वर्कशॉप होना चाहिए। अगर आप एक दिन से ज़्यादा करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहता है। नॉर्मली 2 या 2 से 3 दिन 4 दिन तक वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब बात की जाए कि इसके अंदर आपके कितने पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो हमारे वर्कशॉप में पार्टिसिपेंट्स की काउंटिंग होती है वो बेसिकली आपकी 20 से 30 या 50 तक हो जाती है और ये डिपेंड करता है कि जिस भी टॉपिक पर या जिस भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर आप वर्कशॉप कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंस है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, उसकी जो कह सकते हैं पार्टिसिपेंट की काउंटिंग उसी पर डिपेंड कहीं ना कहीं करती है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।